देखा जाए 12 नंबर कह रहा, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है आपका ए में आर बराबर दिया है T1 T2, जहां T1 और T2 क्या है के समरूप है, T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज के समरूप है, द्वारा संबंधित आर एक तुल्यता संबंध है, ये हमें दर्शाना है। चलिए इसके बाद हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले हमें इसे इक्विवेलेंस रिलेशन है यह दिखाते हैं, ठीक है। यहां मान लेते हैं माना T1 T2 तथा T3 बिलोंग्स करते हैं ए से। ए से क्यों बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये ए समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, तो इसी में बिलोंग करेंगे, ये उसी के अंदर के एलिमेंट होंगे। चलिए यहाँ पे चूंकि आर बराबर में दिया है किस तरह से, T1 T2 क्रमित युग्म इस तरह से है, जहां T1 समरूप है T2 के, T1 समरूप है T2 के, त्रिभुज T1 समरूप है T2। तो मैंने सिंबल यूज कर लिया आसानी के लिए। पहले देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, चलिए बात करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि T1, T1 बिलोंग्स टू R, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई त्रिभुज खुद के तो समरूप हो जाएगा ना जी, बिल्कुल समरूप हो जाएगा, अतः यह कह सकते हैं कि R स्वतुल्य है, यार अंग्रेजी में लिखते हैं देयरफोर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। चलिए देखते हैं फॉर सिमेट्रिक, चलिए सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब यह हुआ कि T1 जो ट्रायंगल है वह T2 ट्रायंगल के समरूप है। तो जब T1 T2 के समरूप है तो मैं यहाँ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना जी कि T2 समरूप होगा T1 के, एक ही बात है, T2 समरूप होगा T1 के, एक ही बात है ना जी। यानी कहने का मतलब है कि T2, T1 भी बिलोंग करेगा, T2, T1 भी बिलोंग करेगा R से, देयरफोर R इज सिमेट्रिक। चलिए R सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए भी है तो उसको भी चेक कर लेते हैं, फॉर ट्रांजिटिव, चलिए ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि T1 T2 बिलोंग्स टू R और T2 T3 बिलोंग्स टू R, यानी इनके मतलब क्या हुए। तो इसका मतलब हुआ कि T1 समरूप है T2 के और इसका मतलब हुआ कि T2 समरूप है T3 के। तो जब T1 ट्रायंगल समरूप है T2 के और T2 T3 के, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि T1 समरूप हो जाएगा T3 के। यानी कहने का मतलब है कि T1, T3 भी R से बिलोंग करेगा, देयरफोर R इज ट्रांजिटिव, R आपका ट्रांजिटिव हो गया। तो जब कोई संबंध रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गया तो वह इक्विवेलेंस हो जाएगा, अतः R एक तुल्यता संबंध है, R एक क्या है आपका तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, समझ गए। क्वेश्चन इसी में आगे देखो, कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, एक त्रिभुज T1 है जिसकी भुजा 3, 4, 5 दी हुई है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 त्रिभुज दिए हैं तो मैं 3 त्रिभुज बना ही लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए ये एक त्रिभुज है, इसका नाम T1 है, जिसकी भुजाएं दी है 3, 4, 5, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज है T2, इसकी भुजाएं दी हुई है 5, 12, 13। और तीसरा समकोण त्रिभुज है T3, जिसकी भुजाएं दी हुई हैं 6, 8, 10, इस तरह से दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इनके बीच T1, T2, T3 में कौन सा त्रिभुज में परस्पर संबंध है, इन तीनों में से किस में परस्पर संबंध है। तो देखो इसमें कोई संबंध नहीं दिख रहा है, इसमें T1 और T3 संबंधित हैं, क्यों, क्योंकि देखो 3/6 इनके संगत भुजा का अनुपात, 4/8 और 5/10 इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है, देख रहे ना, ये बराबर होगा, यानी सबका 1/2 ही ना आएगा जी, सबका 1/2 के बराबर है, सबका बराबर आएगा 1/2, 1/2, यानी कि T1 त्रिभुज समरूप है T3 के, T1, T3 में यही संबंध है, ये दोनों आपस में समरूप है, ठीक है, T2 कुछ नहीं है, समझ गए।
तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा एनसीईआरटी केसीसी ना सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।